हेलो दोस्तों, टेक्नोरिस में आप लोगों का स्वागत है। और आज की क्वेश्चन आंसर सेशन को हम फिर से जो शुरू करते हैं, और आप मुझसे जो भी चाहे सवाल जो वो इस वीडियो के नीचे कमेंट करके हैशटैग आस्क रुहेश करके पूछ सकते हैं। लेकिन ध्यान रखना कि वो क्वेश्चंस रिपीटेटिव नहीं हो जो आपने इस वीडियो में सुना है और जो मैंने पिक किया हो, और आप मुझसे जो चाहे वो पूछ लीजिए। यूनिक पूछेगा तो काफी अच्छा रहेगा, क्योंकि मैंने इस बार काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन जो वो पिक करे, तो आज के सेशन में मजा आएगा जवाब देने के लिए। तो नेक्स्ट सेशन के लिए आप जाइए मुझसे कमेंट करके जो चाहे वो पूछ सकते हैं। ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते और सबसे पहला सवाल यहां पे लेते हैं, वो है यश क्रिएटर का। उन्होंने मुझे पूछा है कि आप यहां पे टेक्निकल सागर के साथ में जाके कोलैब कर लीजिए। आप ये सेशन में नहीं बल्कि बहुत सारे सेशन में मुझे रिपीटेटिव कमेंट्स आए और इस वीडियो में भी आए टेक्निकल सागर के साथ में कोलैब करने के लिए। तो मैं आपसे ये कहूंगा कि मैंने सागर के साथ में बहुत बात की है, अभी थोड़े दिन पहले भी मतलब व्हाट्सएप पर बात हुई थी, तो वो फिलहाल के लिए यहां पर थोड़ा सा बिजी है और कुछ उनका पर्सनल काम है, तो इस हिसाब से वो नहीं कर पा रहे कोलैब। लेकिन जब टाइम मिलेगा उनको तो मैं उनके साथ में जरूर करूंगा। सिर्फ उनके साथ में नहीं, 2018 में बहुत सारे यूट्यूबर्स के साथ में कर रहा हूं। मुंबई में यहां पर रियोर इंडियन कंज्यूमर है, बीयू निक, निक अगर आपको पता होगा, उनसे मैंने कल बात की थी। उन्होंने कहा उनके ऑफिस में काम चल रहा है, तो वो उनके साथ करूंगा। आशीष के साथ में अगर टाइम मिला उनको तो उनके साथ में करूंगा। बहुत सारे कोलैब्स आपको मेरे चैनल पे फ्यूचर में जो वो देखने को मिलेंगे, तो थोड़ा सा वेट कर लीजिए, कुछ ना कुछ आपको नया जो वो देखने को जरूर मिलेगा। आरिफ शेख ने पूछा कि भाई इस बार आईपीएल में कौन जीतेगा। देखिए ऑनेस्टली मैं कहता हूं, मैं आईपीएल बिल्कुल भी नहीं देखता हूं, और अगर हां आपको लगता है कि ट्विटर पे मैं बार बार कमेंट करता हूं आईपीएल से रिलेटेड, वो मैं नहीं करता हूं, बल्कि मेरे जो कलीग है साकिब वो करते हैं। वो मेरा ट्विटर और फेसबुक संभालते हैं, मेरी ब्लॉग वही संभालते हैं, वो मेरे बिहाफ में कमेंट करते हैं ट्विटर के ऊपर बार बार आईपीएल से रिलेटेड। जब मैं खुद ट्विटर पर जाकर चेक करता हूं तो मैं सोचता हूं यार इतने सारे आईपीएल। अब एक आईपीएल का लोगों को क्रिकेट का शौक है, मुझे भी बहुत शौक है, मैं सिर्फ खेलता हूं, मैं नहीं देखता हूं। मैंने आपसे पहले भी कहा था, तो मैंने एक भी बार आईपीएल की एक मैच अभी तक नहीं देखी हूं, तो ये पता नहीं मुझे, बस खेलने में मजा आता, देखने में बिल्कुल भी मजा नहीं आता, मैं नहीं जानता। हां लेकिन मैं मुंबई से बिलोंग करता हूं, तो ऑब्वियसली मैं मुंबई इंडियंस को सपोर्ट करूंगा, इससे ज्यादा मैं और कुछ नहीं कह सकता हूं। यहां पे ए विद देवांश ने रेपिस के बारे में कुछ कहा है, उन्होंने मुझसे सवाल भी किया और सजेशन भी दिया, और ये कहा कि रेपिस के साथ में ऐसा कर देना चाहिए, हाथ काट देना चाहिए, प्राइवेट पार्ट्स वगैरह वगैरह काट देना चाहिए। और प्रीवियस वीडियो में मुझे रेपिस से रिलेटेड बहुत सारे सवाल है, लोगों ने भावनाओं को जताया है, तो मैं इसके ऊपर मेरी राय जानना चाहता हूं, तो मैंने एक डेडिकेटेड वीडियो बनाया था मेरे रुए जमरेले चैनल पे, आप वहां पे जाके देख सकते हैं। मेरी ओपिनियन यही है कि अगर ऐसे रेपिस्ट चाहे वो किसी ने भी किया हो, इसमें बीच में मजहब नहीं आना चाहिए, कोई भी तरीके का रेप हो, किसी ने भी किया हो, ये रेप होता है और रेप ही होता है, उसको रेप ही कंसिडर करेंगे, उसको क्राइम कंसिडर करेंगे, और उनकी सजा सिर्फ और सिर्फ फांसी होनी चाहिए। और फांसी भी ऐसी होनी चाहिए कि लोगों के बीच में रास्ते में उनको फांसी देनी चाहिए, ताकि दूसरा पर्सन देख के डर जाए कि मैं नेक्स्ट टाइम से अगर मैं भी रेप किया तो मेरे साथ भी ऐसा होगा। अब बात यह कि गवर्नमेंट जो है ना उससे विश्वास उठ गया है, और मुझे नहीं पता कि ये सब चीज़ कहाँ जा रही है। आसिफा के साथ में भी जो हुआ, उन्नाव के अंदर जो केस हुआ है, भी सूरत में लड़की के साथ में, बीच में अभी पता नहीं कुछ मदरसा के अंदर कुछ बताया जा रहा है कि रेप हुआ वगैरह वगैरह की चीज़ें हुई, तो ये सब जो करते हैं इनको पकड़ के आप क्यों सजा नहीं देते, क्यों ऐसा करते हो आप? तो खैर ये इस पर ज़्यादा लंबा नहीं खींचना है, मुझे ये बात ही काफ़ी लंबा कॉन्सेप्ट है, और देखते हैं कि इस पर क्या होता है। कुंतल परशर ने बोला है कि क्या आपने कभी आत्मा देखी है? देखिए भाई मैंने तो आत्मा फिजिकली तो नहीं देखा हो, मतलब फील हो जाता है कभी कभी, लेकिन अभिषेक कुमार ने बोला है कि किरिन का 659 या फिर स्नैपड्रैगन का 425। देखिए दोनों प्रोसेसर अच्छे हैं, लेकिन परफॉर्मेंस वाइज मैं अगर आपको कहूँ तो 625 बेटर है, लेकिन किरिन का 659 भी आपको अच्छा परफॉर्म करके दे देगा, उसके अंदर भी आपको कुछ मैंने पर्सनली अगर मैं कहूँ तो मैंने 659 को टेस्ट नहीं किया, स्नैपड्रैगन के 625 को टेस्ट किया, मेरे पास रेडमी का यहाँ पे नोट 5 पड़ा हुआ है, तो परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छा दे रहा है, लेकिन अब ये पुराना प्रोसेसर है और अब हमें चाहिए 636 जैसे प्रोसेसर। 659 भी अगर वो चाहते हैं उसका एक अपग्रेड वर्जन लेके आ सकते हैं तो अच्छी बात है। तो दोनों में अगर मैं फेयर ओपिनियन दूं तो स्नैपड्रैगन का 625 थोड़ा अच्छा परफॉर्म जो 659 से करने वाला है। हितेश सांगरा ने यहां पे बोला है कि टेकिस्तान के साथ में वीडियो अच्छी लगी, वेरी गुड। तो टेकिस्तान कौन है मैं आपको बता देता हूं, वो मेरे ब्रदर इन लॉ है, उनका एक चैनल अभी उन्होंने शुरुआत की थी जहां पे उन्होंने मेरा और टेक्निकल दोस्त का इंटरव्यू लिया था, काफी शुरुआत करी है, मतलब अभी थोड़ा सा टाइम लगेगा, उनको बोलने में थोड़ी प्रॉब्लम हो जाती है, और उन्हें ही नहीं सबको होती है, मुझे भी होती थी जब मैं नया क्रिएटर था। तो बस मैं एक और वीडियो अपलोड करने वाला हूं उनके चैनल पे आएगा टेकिस्तान के, जो आप जरूर से जाके देखना, कम्युनिटी में अपडेट कर दूंगा, सिर्फ न्यू क्रिएटर्स के लिए स्पेशली वो वीडियो बनेगा, तो अगर आप जाके देखेंगे लाइक करेंगे तो और भी मजा आ जाएगा। यहाँ पे वाईडी टेक्स ने पूछा है कि भाई वनप्लस अपने फोन्स के अंदर काफी अच्छे फीचर्स देता है, लेकिन अभी यहाँ पे वनप्लस अपने फोन्स की प्राइसिंग को इंक्रीज कर रहा है, ऐसा क्यों? तो मैं आपको बता देता हूँ कि वनप्लस के डिवाइसेस ऑब्वियसली फ्लैगशिप किलर होते हैं, फीचर्स
ऐसे देता है जो फ्लैगशिप फोन्स में मिलते हैं लेकिन प्राइस काफी अच्छे देता है, इसलिए इसको फ्लैगशिप किलर बोलते हैं। लेकिन अब OnePlus के फोन एक्सपेंसिव क्यों हो रहे हैं? देखिए टेक्नोलॉजी एडवांस हो रही है, जो प्रोसेसर है 835, 845 जो कैमरा दे रहे हैं, जो फीचर्स दे रहे हैं, ये एक्सपेंसिव होते हैं अपने फोन्स में जो कंपनी देती है। अब जब वो चीजें एक्सपेंसिव होती है तो कंपनी को अपनी प्राइस भी उस हिसाब से रखनी पड़ती है। जो कंपनी OnePlus है ये ज्यादा मार्जिन नहीं रखता, दूसरी कंपनी ज्यादा मार्जिन रखती है, तो इसलिए OnePlus भी अपने हिसाब से प्राइस को एडजस्ट करता है, क्योंकि ये भी एक जस्टिफिकेशन ही है। अगर हर चीज आपको एकदम से बजट में मिलेगी तो कंपनी को नुकसान होता है। Xiaomi यहां पे जो वो एकदम से बजट में देता है, क्योंकि Xiaomi ज्यादा मार्जिन और प्रॉफिट नहीं रखता है, दूसरी कंपनी ज्यादा रखती है, इसीलिए Xiaomi यहां पे इतना मशहूर है। लेकिन Xiaomi का आपको पता है फ्लैश सेल का लफड़ा है, इससे Xiaomi बदनाम है। तो ये कुछ सीन है यहां पे। अगर आपको लगता है कि कंपनी प्राइस ज्यादा कर रही है, तो यह साल बढ़ते जाते हैं, टेक्नोलॉजी एडवांस होती जाती है, नई नई चीजें आती जाती है, तो उसकी प्राइस इंक्रीज होती है, इसलिए फोन्स की प्राइसिंग भी आपको ज्यादा महंगी देखने को मिलती है। टेक प्रेजेंट ने बोला कि क्या आपको खाना पकाना बनाना आता है? देखिए खाना, मैं पहले जब यूके में था, लंदन में था, तो मैं अकेला था, मेरे भाई लोगों के साथ में रहता था, तो मैं अकेला बना लेता था, क्योंकि उस जिम्मेदारी आई ना तो आपको बनाना पड़ेगा। अब घर में है, सब कुछ है, लेडीज़ घर की प्रेजेंट है, तो फिर वो लोग बना लेती, तो मैं कुछ नहीं बनाता। कभी दिल करता है ना खुद से, तो हाँ मैं मैगी अभी बना सकता हूँ, ये तो सब बनाते छोड़ो। बैक मेनू ने बोला है कि मैं खोखला हूँ, गवर्नमेंट खोखली नहीं है, टकनोर हेल्थ, ऐसा करके उन्होंने बोला है। देखिए मैंने प्रीवियस वीडियो में बोला था ना रेप के बारे में कि गवर्नमेंट खोखली है वगैरह वगैरह, तो उन्होंने पता नहीं वो सपोर्टर अच्छे हो गए कुछ, फाया ज़्यादा ही कुछ पॉलिटिक्स में घुस गए, तो फिर उन्होंने मुझे बोला मैं खोखला हूँ आप मतलब खैर छोड़ो। टेक लाइटर ने बोला कि भाई रंजीत सर के साथ में कोलैब करिए। देखिए मैं एक ही चीज़ कहता हूँ, एज अ क्रिएटर मैं उनकी रिस्पेक्ट करता हूँ, जो कंटेंट वो बनाते हैं, जो उनका रिव्यू होता है वो ऑनेस्ट होता है, और जिनसे मैं इंस्पायर्ड हूँ वगैरह वगैरह की चीज़ें हैं। पर एक अदर साइड की मैं बात करता हूँ, तो ये ग्रुपिज्म बहुत ज़्यादा है उन लोगों में, और एक पार्शियलिटी है, और वो थोड़ा सा अपने में रहते हैं। मैं सोचता हूँ कि ठीक है भाई तुम अपने में रहो, मुझे भी फिर कोई वो नहीं है इन कि मैं पीछे पीछे भागता रहूँ कोलैब करने के लिए। मुझे उन लोग से कोलैब करने में अच्छा लगता है जो पार्शियलिटी नहीं करें, जो दोनों तरफ कोलैब आप करो, और जो ज़्यादा मतलब ईगो वगैरह ना हो जिसमें, तो मैं ऐसे लोगों के साथ में कोलैब करता हूँ, क्योंकि मैं ऐसा हूँ तो मैं चाहता हूँ कि सामने वाला पसंद ऐसा हो, तो मेरी जमती उससे, वरना भी नहीं। हितेश जो है टेक्निकल दोस्त के साथ में इतना मज़ा आया था कोलैब करने के लिए कि मैं आपको क्या बोलूँ, तो वो अलग बात है। तो ऐसा अगर सामने वाला पसंद है तो ठीक है, वरना मुझे बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं। फिर वो उसके 50 25 30 100 200 500 कितने भी मिलियन सब्सक्राइबर हो, मेरे को बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं। यहाँ पे एच टेक ने सवाल किया है कि उनका यहाँ पे एडसेंस डिसेबल्ड हो गया है और उनकी कुछ पेमेंट बची थी वो अभी तक नहीं आई है। देखिए पेमेंट तो शायद आपकी नहीं आएगी जब तक आपका एडसेंस इनेबल नहीं होगा। मेरी भी जब गई थी $700 या $800 के आसपास मेरी पेमेंट पेंडिंग थी जब मेरा एडसेंस डिसेबल्ड हुआ था। जब इनेबल्ड हुआ था फिर मेरा पेमेंट जो आ गया था, तो वो कुछ कट के आया था क्योंकि इनवैलिड क्लिक्स के हिसाब से उन्होंने जो वो डिसेबल कर दिया था। तो आप भी जाके गूगल का एक एडसेंस फॉर्म होता है, गूगल में जाके सर्च करिए, हेल्प में जाइए, यूट्यूब में, यूट्यूब को भी अलग से ईमेल करिए, गूगल को भी अलग से ईमेल करिए, और बोलिए कि भाई मेरे चैनल पर ऐसा हो गया है, अगर मुझसे गलती हो तो आई एम सॉरी, मैंने आपसे पहले भी कहा था। आपको अपनी गलती नहीं भी हो तो एक्सेप्ट करना पड़ता है, एक पॉलिसी होती है, फिर आपको समझाना है कि मैं नेक्स्ट टाइम ऐसा काम नहीं करूंगा। और यूट्यूब स्टूडियो के एप्लीकेशन इस्तेमाल कीजिए, अपने खुद के वीडियोस बार बार ओपन करके मत देखिएगा, और दूसरों को सब्सक्राइब करके बोल के लाइक करके बार बार उनको अपने वीडियोस ओपन करने के लिए मत बोलिएगा, और ये अगर आप करेंगे तो शायद से आपका एडसेंस जल्दी से इनेबल हो जाएगा। रवि सैनी ने बोला है कि भाई आप मेरे क्वेश्चंस नहीं लेते हो, और उन्होंने कहा कि आप संदीप महेश्वरी के साथ में कोलैब करिए। अब आपका क्वेश्चन ले लिया मैंने। संदीप महेश्वरी के बारे में अगर आपको बता दूं तो उनके टीम के मेंबर में से किसी ने मुझे बहुत पहले, एक साल की पहले की बात है, मैंने आपसे पहले भी कहा था, मुझे कॉल आया था, बस वो मेरे वीडियोस देख के मोटिवेट फील हो गए थे। उन्होंने कहा था कि हमें आपसे बस एक बार बात करनी थी, जो आपको पता है मैं कंडीशन में वीडियोस बनाता था, आज तो अल्लाह के करम से अच्छा सेटअप है, तो वो फील अच्छा किया था। बाद में मुझे उनका नंबर मेरे मोबाइल में नहीं मिल रहा, और उनका उसके बाद मुझे कभी फोन नहीं आया ना, वरना मैं उनसे बात करके ऑब्वियसली संदीप महेश्वरी से मैं मिल लेता था। लेकिन देखेंगे अगर मिलने का मौका मिला तो हम क्यों ऐसे मौके को गवाएंगे। मैं तो सिर्फ ओपन रहता हूं, बस लोगों से, क्रिएटर से मिलना रहता है, कोलैब करना रहता है, और क्या, आप लोग को अच्छी वीडियोस देने की कोशिश करता हूं। यहां पे टिप्स एरिया ने बोला है कि स्पॉन्सरशिप, रिव्यू यूनिट्स वगैरह वगैरह कैसे मिलेगी। देखिए सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको समझा देता हूं कि अगर आप न्यू क्रिएटर है ना तो सिर्फ मेहनत करिए, 1 लाख सब्सक्राइबर्स 50,000 भी जमा कर लीजिए, उसके बाद व्यूज कंपनी जो होती है ना ये आपके सब्सक्राइबर्स नहीं देखती, ये आपके व्यूज देखती है और ऑडियंस की एंगेजमेंट देखती है। 20,000 सब्सक्राइबर है और 25,000 व्यू आ रहे हैं, सब्सक्राइबर से ज्यादा व्यूज आ रहे हैं और 500 से ज्यादा कमेंट्स आ रहे हैं, तो कंपनी बोलती है यार इसमें अच्छा व्यूज और अच्छा एंगेजमेंट है। एक जगह पे 5 लाख सब्सक्राइबर से 15,000 व्यूज आ रहे हैं और सिर्फ 200 कमेंट आ रहे हैं, तो वहां पे लोग सोचते हैं कि इतना ज्यादा हमारा सेल वहां पे नहीं होगा, तो कंपनी भी लालच में जाती है और वो उसी लोगों को जो अपने प्रोडक्ट्स देती है जिनके चैनल पे उनको लगता है कि ज्यादा सेल होगी। तो ये कुछ सीन है यहाँ पे। स्पॉन्सरशिप उन्हीं लोगों को मिलती है जिनको जो नजर में आते हैं, जिनके सब्सक्राइबर्स ज्यादा, जिनके व्यूज ज्यादा है, और उसी हिसाब से आपको मिलता है। और एक अलग तरीका होता है जो मैं आपको पहले भी बताया था, अगर आपकी कंपनी में सेटिंग्स है, दोस्ती यारी है वगैरह वगैरह है, तो आपको भी रिव्यू यूनिट्स या स्पॉन्सरशिप मिल सकती है। तो ये कुछ खेल है यहाँ पे यूट्यूब में स्पॉन्सरशिप का और रिव्यू यूनिट का। हेमंत
साहू ने बोला कि भाई इस कमाल की बियर्ड का क्या राज है। देखिए भाई ये बियर्ड कमाल की बिल्कुल भी नहीं है, मैंने तो उस पर ना कुछ क्रीम लगाया हूँ ना मैंने कुछ ऐसा किया हूँ, मैंने कुछ अपने बियर्ड्स के ख्याल नहीं किया। नॉर्मली जैसे आपके बियर्ड्स ग्रो हो रहे हैं वैसे मेरे ही हो रहे हैं, और मेरा कोई बियर्ड में इतना कुछ वो नहीं, मैं चाहूँ तो बहुत ज़्यादा रख सकता हूँ लेकिन अच्छा नहीं लगता। तो कुछ राज नहीं यार, आपके बियर्ड भी ग्रो हो रही है, मेरी भी ग्रो हो रही है, दोनों में कुछ वही फर्क है बस। सुब्रांशु शेखर ने ये सवाल पूछा है कि भाई आप अपने वीडियो के सामने इतने कॉन्फिडेंस कैसे रखते हो, इतने अच्छे से कैसे बात करते हो। तो इसका जवाब मैंने आपको देने वाला हूँ, टेकिस्तान के चैनल पे एक वीडियो जाएगा जहाँ पे न्यू क्रिएटर्स के लिए मैं मोटिवेट किया हूँ, मैंने वहाँ पे इसका जवाब दूंगा। लेकिन मैं आपसे एक ही कहता हूँ ना, आदत हो जाती है, मतलब घबराहट निकल जाती है बात कर करके ना, बोलते बस कैमरे को देख देख के ऐसा लगता है कि अब ये कैमरा ही मेरा दोस्त बन गया, तो बस यार ये कैनन लिखा है अच्छा ये ऐसा अच्छा कैसा बट, तो ऐसा करके एक ना कैमरे से दोस्ती यारी बना लो, तो आपको ऐसा लगेगा क्या इग्नोर करना कि इधर कोई बैठा है वो आपको देख रहा है, ये नर्वसनेस हो जाती है। मैं समझता हूँ कंटिन्यूसली लोग आपको देखते हैं और ज़्यादा भीड़ हो जाती तो आपको नर्वसनेस होती, क्योंकि आपने कभी ऐसे एनवायरनमेंट में गए नहीं थे, मैं भी नहीं कहता, तो पहले मुझे भी ऐसा होता था। सब कुछ छोड़ दीजिए, बाहर निकल जाइए, डीमोटिवेशन को, स्ट्रेस को, इसको उसको सबको खत्म कर दीजिए, कैमरे को देखिए, कंटेंट पर ध्यान दीजिए और आराम से रिलैक्स होकर वीडियोज बनाइए, तो शायद से आप अच्छे वीडियोज बना सकेंगे। रयान क्यों ने बोला कि भाई रोहेश भाई आपने अपने वीडियोज के इंट्रो को क्यों चेंज किया, अपने चैनल पर जो इंट्रो में बजाता हूँ What it is, जो आता है वो एपिडेमिक साउंड है, जो पेड साउंड है। काफी सारे लोग मुझे पूछ रहे हैं कि कहां से मिला, भाई वो एपिडेमिक साउंड है, उसका सब्सक्रिप्शन होता है, वो पेड है, अगर आप अपने चैनल में इस्तेमाल करेंगे तो शायद से आपको वहां पे कॉपीराइट का इशू आ सकता है, और मुझे शायद से मेरा सब्सक्रिप्शन लिया इसलिए मुझे नहीं आता है। अब नया लोगो आ रहा है, नया चैनल आर्ट आ रहा है, सब कुछ नया आ रहा है, इंट्रो भी मैं चेंज कर रहा हूँ, ठीक है। तो 5 लाख हुए थे, मैंने आपसे कहा था कि हो जाएगा तो मैं करूंगा, तो अब मैं करने वाला हूँ। 1 मिलियन पे फिर से जब 1 मिलियन होगी इंशाल्लाह तो वो भी मैं जो कर दूंगा। इमरान जैन ने बोला है कि भाई वो पहले तो उन्होंने कहा कि वो अलीगढ़ की मीटअप में नहीं आ पाए क्योंकि उनका एग्जाम था, और दूसरा यहाँ पे जो मैं टेक न्यूज देता हूँ उसके नीचे जो मैं लोअर थर्ड लगाता हूँ या टेम्पलेट्स वगैरह जो भी लगाता है उसमें ब्रेकिंग न्यूज़ क्यों रहती है वहाँ पे, तो ब्रेकिंग न्यूज़ इसलिए रहती है कि ताकि वो न्यूज़ जैसा फील हो आपको, जब भी आप टीवी में न्यूज़ लगाते हो तो ब्रेकिंग न्यूज़ करके लिख के आता ना, तो इसलिए वहाँ पे ब्रेकिंग न्यूज़ लिख के रखता हूँ ताकि कुछ देखे तो लोगों को लगे हाँ ये एक्चुअली में न्यूज़ चल रहा है, क्योंकि टेक न्यूज़ का काम ही वो ये न्यूज़ देना, तो वो न्यूज़ जैसा फीलिंग आने के लिए मैं वहाँ पे ब्रेकिंग न्यूज़ लिख के रखता हूँ। अमित दास ने एक बहुत ही अच्छा सवाल किया और उन्होंने ये पूछा है कि जो आपकी पुरानी वीडियोज़ है क्या उस पर आपको अब भी पैसे मिलते हैं, तो मैं आपको बता देता हूँ कि जो पुरानी वीडियोज़ है अगर अब भी लोग प्ले कर रहे हैं और उस पर एडवर्टाइजमेंट आ रही है तो ऑब्वियसली उस पर मुझे पैसे मिलेंगे, क्योंकि वो एडवर्टाइजमेंट आती है तो रेवेन्यू जनरेट होती है, तो जी हाँ पुराने वीडियोस पे भी मुझे पैसे मिलेंगे। और जो आज YouTube में मेरा सबसे फेमस वीडियो चल रहा है पूरे YouTube में, आप खाली YouTube में टाइप करेंगे जाके कि हाउ टू क्रिएट अ YouTube चैनल, तो सबसे पहला अल्हम्दुलिल्लाह से मेरा ही वीडियो आपको दिखेगा, तो वो वीडियो आज एकदम से पुराना था और आज मुझे उस पे भी रेवेन्यू जनरेट हो रही है, तो ये भी कुछ सीन आप लोगों को भी अब समझा होगा शायद से। विकास सोनवाल ने बोला है कि क्या आप PUBG या फिर Fortnite खेलते हो मोबाइल के अंदर, PC में कहाँ खेलते हो। मैं तो अपने मोबाइल में Redmi Note 3 के अंदर जो वो लेके रखा हूँ, Redmi Note नहीं, Xiaomi का Mi Note 3 है, कन्फ्यूजन हो जाता है, Xiaomi इतना कन्फ्यूज करता है ना अपने नामों से कि पता ही नहीं चलता है, Xiaomi का Mi Note 3 में खेला हूँ PUBG PUBG और उसका एक वीडियो मैं बनाने वाला हूँ, मेरी एक्सपीरियंस दूंगा थोड़ा सा फनी वे के अंदर एक वीडियो आएगा, तो शुरुआत किया हो अभी मैंने पूरा नहीं खेला हो, जब खेलूंगा तो आप लोगों को एक वीडियो बना के बता दूंगा। मोहम्मद सिद्दीकी ने बोला कि क्या आप ड्रॉ माई लाइफ वीडियो बनाएंगे। जी हाँ मैं बनाऊंगा, और ड्रॉ माई लाइफ बहुत पुराने टाइम से चलते हुए आ रहा है, काफ़ी क्रिएटर्स बना रहे हैं, और मैं जब 1 मिलियन सब्सक्राइबर हो जाएगी इंशाल्लाह तब मैं यहाँ पे ड्रॉ माई लाइफ बनाऊंगा, तो वेट करिए, जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर करिए, तो मेरे 1 मिलियन होने वाले। मोहम्मद मोहसिन कादरी ने बोला कि व्हाट टू डू विद हेटर्स। हेटर्स देखिए कुछ नहीं कर सकते, पता नहीं चलता ना कि हमारे हेटर्स कौन है, डिसलाइक इतने ज़्यादा आ जाते तो जो डिसलाइक होता है ना यूट्यूब में सिस्टम बहुत गंदा है कि जो लाइक करते हो डिसलाइक करते हो तो पता नहीं चलता कि कौन कौन लोगों ने डिसलाइक किया और किसने लाइक किया, और यूट्यूब ये इस चीज़ को एक्सपोज भी नहीं करना चाहता है क्योंकि इससे हेट और फैलेगा और लफड़े झगड़े हो गए ना, तो ये ठीक है कोई बात नहीं, हेटर्स को अगर हेट करना तो हेट करें, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं। टेक्नो अमान ने बोला कि भाई मीडिया टेक का प्रोसेसर K8 होता है। भाई देखिए मीडिया टेक की लोगों की मेंटेलिटी इतनी खराब हो गई कि मैं क्या बोलूं, बोलो मैं। स्नैपड्रैगन के प्रोसेसर भी हीट होते हैं। जी हाँ स्नैपड्रैगन 660 मेरे पास है, 625 है और 636 है, ये वाले प्रोसेसर भी हीट होते हैं, लेकिन कंपेयर टू मीडिया टेक के इतने हीट नहीं होते, लेकिन ये भी हीट होते हैं, बस इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं कह सकता हूँ। सैफ अंसारी ने पूछा है और काफी अच्छा सवाल पूछा है, शायद उन्होंने मेरा प्रीवियस जो वीडियो देखा था उन्होंने उसके ऊपर ये सवाल किया, और उन्होंने कहा है कि आशीष चंचलानी के हर वीडियो ट्रेंडिंग पे जाते हैं और उनके ही नहीं काफी सारे जो एंटरटेनर क्रिएटर्स हैं उनके वीडियोस ट्रेंडिंग में जाते हैं, तो आपका इस पे क्या कहना है, क्योंकि मैंने प्रीवियस वीडियो में बोला था कि जो यूट्यूब का ट्रेंडिंग सेक्शन है ना वो पेड है, तो ये पेड मैंने जो बोला था ना वो इसलिए बोला था कि ट्रेंडिंग सेक्शन में एक जेन्युइन वीडियोस तो आते ही आते हैं, जैसे कि क्रिएटर्स उनके फॉलोअर्स उनके सब्सक्राइबर्स इतने हैं ना, तो उनके सब वीडियोस तो टोटली जो उनका
वॉच टाइम है ना वो एक साथ इतना बढ़ता है कि तुरंत वो ट्रेंडिंग में आ जाता है। लेकिन एक तरीका एक और होता है जिससे आप खुद पुश करा के ट्रेंडिंग में ला सकते हैं। ये वीडियो को, इस चीज को माई स्मार्ट सपोर्ट ने भी जो एक्सपोज किया था, आप उनके चैनल पता नहीं वो वीडियो डिलीट कर दिया होगा, लेकिन उन्होंने भी इसको जब एक्सपोज किया था। तो हाँ, आप ला सकते हैं और आते भी है जेन्युइन तरीके से। सुमित कुमार ने बोला है कि क्या भाई अमित बधाना आपको पहले से पहचानते थे क्या? तो बिल्कुल भी नहीं, वो मुझे नहीं पहचानते थे। और मुझे क्या, बड़े बड़े क्रिएटर्स को उन्होंने कहा कि वो नहीं पहचानते थे, बाद में जब उनको ईमेल्स आने लगे सब जगह से तो उनको पता चला कि हाँ ये फला फला टेक क्रिएटर है, क्योंकि वो एंटरटेनर है और उनको यूट्यूब में खुद किसी की वीडियोज नहीं देखते। मैं खुद भी जब मैं यूट्यूब में बैठा हूँ, मैं खुद काम करता हूँ ना, बहुत कम वीडियोज में यूट्यूब में जाके खुद से पर्सनली देखता हूँ। कभी मुंबई के निकल के व्लॉग्स देख लिया, या फिर कभी मैं अमित बधाना के वीडियोस अगर आ जाता है ट्रेंडिंग में ऊपर दिख गया तो देख लेता हूँ, या फिर मैं खाली आशीष चंचलानी की, स्पेशली आशीष चंचलानी की मैं वीडियोस को ढूंढता हूँ, वो दिख जाता है तो मैं देख लेता हूँ। हाँ, ऐसा कुछ सीन है मेरे साथ में। तो ये ऐसे ही होता है, जो एक दूसरे की वीडियोस हम काफी कम देखते, कभी देख ले तो देख लिए, वरना ऐसा कुछ नहीं। यहाँ पे नकवी ने ये बोला है, टेक्निकल ए नकवी ने बोला है कि आप अपने सेटअप टूर बताइए और साथ में आपका सिल्वर प्ले बटन कहाँ पे। देखिए, आपने अच्छा सवाल किया, सिल्वर प्ले बटन मुझे मिल ही नहीं रहा है, ये बहुत बुरी बात है मेरे लिए, क्योंकि मुझे सिल्वर प्ले बटन नहीं मिल रहा जो एक लाख सब्सक्राइबर में मुझे आया था। और अब गोल्ड प्ले आएगा तो शायद से मैं आप लोगों को बता सकता हूँ, लेकिन बहुत अफसोस हो रहा है, मैं बहुत कोशिश किया ढूंढने के लेकिन मुझे नहीं मिल रहा था। और सेटअप टू तो आपको मैं जरूर से दिखाऊंगा जब मुझे ऐसा लगेगा कि दिखाने लायक है। बस दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही था, आज की क्वेश्चन आंसर सेशन यहीं पे खत्म होते हैं। वीडियो लंबी होगी तो कोई बात नहीं यार, एंजॉय कर लीजिए, सवाल पूछिए, मैं आपको जवाब दूंगा। और नेक्स्ट सेशन के लिए भी आप जो चाहे मुझसे इस वीडियो के नीचे सवाल जो वो कर सकते हैं। अब पता नहीं मुझे इस वीडियो में कैसी आपको आवाज आ रही होगी, खर खर आ रही होगी, नहीं आ रही होगी, क्योंकि मुझे पता नहीं, इस माइक को मैं काट डालूंगा कोई दिन। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में एक नए वीडियो के साथ। टिल देन, हैव अ ग्रेट डे एंड ऑलवेज कीप स्माइलिंग।